हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ब्रेन मैं हुवाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास सिक्स इंगेजिंग इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर बुक के फिफ्थ यूनिट का सेकेंड पार्ट विच इज़ वर्ड बलून अब इसका हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन और समरी इसके अलावा पोइट्रिक डिवाइस लिटरेरी जो पूरा पैटर्न होता है वो हम पूरा देख चुके हैं अब बचते हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बट बिफोर वी स्टार्ट आर वी कहाँ हैं हम हम हैं मैग्नेट अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे किंड गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक आई सीबीएसई एस की बुक्स ओलम्पियड एग्जाम्स एनटीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर चीज की प्रिपरेशन आपको यहाँ कराई जाती है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे वन और टू चैप्टर्स के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है तो यस yes, यहाँ हैं हम और साथ मिलके तो हम क्या ही कमाल कर सकते हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्ड बलून यूनिट फाइव सेकेंड पार्ट जो कि है क्वेश्चन आंसर्स तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है आपके पास आंसर द क्वेश्चन इन अ फ्यू लाइंस मतलब जो क्वेश्चन है इसको आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देना है कुछ ही शब्दों में आपको इनका आंसर देना है व्हाट द पोएट विश टू डू पोएट क्या करना चाहती है पोएट विशेस टू राइड बलून मेड ऑफ वर्ड लाइक बैंडकोट एंड कार बलून शी वो हाई अप इन दोइ है वो क्या करना चाहती है वो एक वर्ड बलून पे राइड करना चाहती है जो कि कैसे कैसे वर्ड से बना होगा बैंडीकोट कैलवा सराई एक्सेट्रा इस बलून पे राइड करके वो एकदम हवा में उड़ना चाहती है शी वॉन्ट्स टू गो हाई अप इन दाई सिंपल आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Why डू यू थिंक lighter वर्ड्स विल बी required एट टाइम्स आपको क्यों लगता है कि कभी कभी उन्हें हल्के शब्दों की जरूरत होगी द लाइटर वर्ड्स लाइक एथरियल एंड फे विल बी यूज बाय द पोएट वेन शी वॉन्ट्स टू ट्रैवल क्विकली सो जब हमारी पोएट को जल्दी से जल्दी ट्रैवल करना है बहुत फटाफट कहीं पहुंचना है या बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है तब वो लाइटर वर्ड्स यूज करेंगे जैसे कि एथरियल एंड फे As these words are light, it will help the balloon gain altitude and move fast. क्योंकि ये वर्ड्स बहुत हल्के हैं तो इससे क्या होगा इससे जो बलून है वो बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर जा सकता है और बहुत ही फास्ट जा सकता है Simple। नेक्स्ट है व्हाट फंक्शंस विल द हेवियर वर्ड्स परफॉर्म अब जो हैवियर वर्ड्स हैं उनका क्या काम है द हेवियर वर्ड्स विल कीप द बलून फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे ये जो हैवियर वर्ड्स हैं ये बलून को ड्रिफ्ट होने से रोकेंगे दे विल फंक्शन एज एंकर्स एंड हेल्प द बलून रिमेन्स एट वन प्लेस ये एक तरीके से जब कोई चीज़ हैवी होती है ना तो क्या होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है तो क्या होगा वो एक तरीके से बलून को जो है उड़ने से एकदम भग जाने से ड्रिफ्ट अवे होने से रोक लेगी by by acting as a anchor. Anchor मतलब क्या होता है? Ship होता है है जैसे ना तो उसमें इस तरीके का एक एंकर होता है जिसमें ना आप उसको फंसा सकते हो जिसके बाद वो कहीं जाए नहीं तो यहां जब वेट है heavy words, जो है वो एक एंकर की तरह काम करेंगे जो बलून को ड्रिफ्ट होने से रोकेंगे क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द वर्ड दैट द वर्ड बलून वुड बी मेड ऑफ अब पोएट को ये सारे वर्ड्स मिलते कहाँ से हैं जिससे वो ये सारे वर्ड बलून्स बनाते हैं कहाँ से मिलते हैं डिक्शनरी से दो दर्ड्स विथ विच द पोएट विशेज टू मेक अ वर्ड बलून आर ऑल फाउंड इन द डिक्शनरी बहुत ईजी आंसर है ये अब है नेक्स्ट हमें पोम से कुछ लाइन्स दी हुई है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं बट द ब्राइटेस्ट वंस विल बी द बेस्ट शाइनी हैप्पी वर्ड्स आपको याद है जब पोइट ने कहा था कि सारे हल्के वर्ड और भारी वर्ड्स तो होंगे लेकिन सबसे ब्यूटीफुल वर्ड्स कौन से होंगे जो एकदम ब्राइट वर्ड्स होंगे और जो कि हैप्पी शाइनी वर्ड्स होंगे जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स थे रेडिएट और सिंटिलेट सो वॉट इज द पोइट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ड इन दिस टें stanza? में वो हमें वर्ड्स के बारे में क्या बता रही हैं द वर्ड्स यूज इन दिस टेंजा आर ऑल रिलेट टू लाइट एंड ब्राइटनेस इस वर्ड में इस टेंजा में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो हैं सिंटिलेट और रेडिएट ये लाइट और ब्राइटनेस के बारे में है द वर्ड सिंटिलेट एंड रेडिएट आर बोथ एसोसिएटेड विथ लाइटिंग अपथिंग दोनों ही वर्ड्स किस चीज़ से जुड़े हुए हैं किसी चीज़ को लाइटअप करने से किसी चीज़ को know नो मतलब एकदम उसमें लाइट आ जाए जगमगाहट आ जाए

विच व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस एक्सप्लेन इट इस में कौन से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस टेंजा इज अमिली जहां पे उन्होंने ये कहा है कि ये एक हमिंग बर्ड की तरह फ्लाई करेंगे द पोएट कंपेयर द फाइट ऑफ द शाइनी हैप्पी वर्ड टू दैट ऑफ हमिंग बर्ड यूजिंग द वर्ड लाइक पोएट जो है जो फ्लाइट नॉट फाइट फ्लाइट शाइनी वर्ड्स की जो फ्लाइट है उनकी जो उड़ान है उसको एक हमिंग बर्ड की उड़ान से कंपेयर कर रहा है यूजिंग द वर्ड लाइक जस्ट एज अ हमिंग बर्ड फ्लटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ केयर फ्री वे तो जिस तरीके से एक जो हमिंग बर्ड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लटर करना मतलब उड़ना तो फ्लटर कर दी कैसे एकदम केयरफ्री वे में जैसे उसको जहां मन करता है वो वहां जाती है द वर्ड्स यूज इन दिस टेंस आर हैप्पी एंड शाइनी एंड विल मूव इन अ सिमिलर मैनर उसी तरीके से इस टेंजा में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं रेडिएट एंड सेंटिलेट ये हैप्पी और ब्राइट वर्ड्स हैं जो उसी एक हमिंग बर्ड की तरह केयरफ्री होके हवा में उड़ेंगे एंड बैक होम अब सेकेंड क्वेश्चन है एंड बैक होम आई फीड टू माई पेटिग्रीड कैनरी अब जो उन्होंने कहा था ना कि ये सारे वर्ड्स मुझे कहाँ मिलते हैं डिक्शनरी में और जब मैं घर जाती हूँ तो अपनी कैनरी को ये सारे वर्ड्स बताती हूँ वट डिड द पोएट फीड द कैनरी तो ये पोएट यहाँ पे कैनरी को क्या खिलाने की बात कर रही है द पोएट फीड्स ऑल द वर्ड्सरी टू हर कैनरी उन्हें डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स मिलते हैं नए वो अपनी कैनरी को खिला देती हैं मतलब एक तरीके से उसके सामने लाउडली बोलती हैं ताकि उनकी वर्ड को भी सारे वर्ड्स पता हो जाए वट डज द वर्ड पेडिग्रीड मीन इस पेडिग्रीड वर्ड का मतलब क्या होता है द वर्ड पेडिग्रीड मीन बिलोंगिंग टू अस्टिंग और लाइनेज जो मैंने आपको बताया था इस पेडिग्रीट वर्ड के दो मतलब होते हैं जब आप एक किसी पर्टिकुलर ब्रीड से बिलोंग करते हो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हो तो उसको भी पेडिग्रीड ही कहते हैं ठीक है वाई डू यू थिंक अ पेडिग्रीड कैनरी वुड बी फेट दीज थिंग्स क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि एक पेडिग्रीड कैनरी जो है उसको वो ये वर्ड खिलाएगी द वर्ड्स यूज बाय द पोएट आर नाइस एंड साउंड इम्प्रेसिव अब ये जितने भी वर्ड्स जो पोइट ने हमारे यहाँ पे यूज किए हैं वो सारे कैसे एकदम अच्छे और एकदम इम्प्रेसिव साउंड कर रहे हैं सो दे कैन बी फेट टू अ कैनरी कमिंग फ्रॉम अ डिस्टिंग लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स तो यहाँ पे ये सारे जो ये जो कैनरी है ये एक बहुत हाई सोशल क्लास से बिलोंग करती है तो उसको ये सारे वर्ड्स बताए जा सकते हैं

Nonsensical elements are usually the words which are made up and are meaningless or that the word exit but make little sense in the context they are used in. Nonsensical words वो होते हैं जिनका actual में कोई ज़्यादा meaning होता नहीं है जो nonsense words होते हैं basically लेकिन जैसे आप कोई poem लिख रहे हो या आप कहीं पर किसी imitating word को use कर रहे हो तो आप उन words को use करते हो ऐसा भी हो सकता है कि इनका मीनिंग हो लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में एकदम ज़्यादा उसका मीनिंग अप्रोप्रिएट नहीं हो बस उसको यूज कर लिया है एन एग्जाम्पल इन द पोएट्री इज़ गगान शुहन गर्गान शुहन का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिग तो ये जो है एक एग्जाम्पल है जो आपके नॉन सेंसिकल वर्ड से यूज किया जा सकता है नेक्स्ट इज इज द पोएट अ लवर ऑफ वर्ड्स गिव रीजन फॉर योर आंसर आपको क्या लगता है जो हमारी जो पोएट है क्या उसको वर्ड्स से बहुत ज़्यादा प्यार है यस yes. द पोएट इज डेफिनेटली अवर ऑफ वर्ड्स हमारी जो पोएट है वो डेफिनेटली शब्दों को बहुत ज्यादा प्यार करती है शी टेक्स अस ऑन एन इमेजनरी राइड ऑन अ वर्ड बलून टू फील द मैजिक ऑफ वर्ड्स अब ये हमें कैसे पता चलता है क्योंकि पूरी पोम में वो हमें एक वर्ड बलून की इमेजनरी राइड पर लेके जा रही है जहाँ पे आप इन वर्ड्स के मैजिक को फील कर सकते हो ओके okay? चलो अब आते हैं हमारे पास ग्रामर पार्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं जब आपको पता है कोई भी जो वर्ड होता है उसकी फैमिली होती है जैसे कि आप यहाँ पे देखो फैमिली फमीलियर अनफमिलियर एंड फेमिलियरइज तो यहाँ पे फमीलियर वर्ड जो है फैमिली वर्ड की फैमिली से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं मतलब उन सब में कुछ कॉमन होता है जैसे फैमिली फमिलियर अन और फमिल अब आपको करना क्या है हैप्पी और फ्लाई की फैमिली बतानी है तो जैसे हैप्पी का हो गया हैप्पियर Happily, unhappy. Fly का हो गया flyer, flying, flies, flew, flown. अब है मीनिंग कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ फैमिली जो वर्ड्स जो होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है उसे भी एक फैमिली की तरह आप ट्रीट कर सकते हो जैसे बिग हैवी ponderous, ठीक है तो अब यहाँ पे लाइट और ड्रिफ्ट का आपको सिमिलरली अगर निकालना है तो अब यहाँ तो मैंने आपको सेम बता दिया लाइटर लाइटी लाइटेड ऑल राइट लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते जैसे लाइट लाइट के लिए सिनोनिम्स ढूंढने आपको तो ये काम आप मुझे करके बताओ कि लाइट के सिनोनिम्स ढूंढने हैं ये आपको इजीली डिक्शनरी में मिल जाएंगे लाइट मतलब क्या होता है हल्का हल्का के लिए और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं सिमिलरली ड्रिफ्ट मतलब होता है उड़ जाना फ्लाई कर जाना इसके वर्ड्स बताने हैं आपको मुझे अब है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द मीनिंग ऑफ दिज फ्रेजेस विथ बुक एंड मेक सेंटें आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस हैं बुक अ टिकेट बी इन समेक लीव आउट ऑफ समय द बुक आपको इनके मतलब बताने एंड देन यू हैव टू क्रिएट अन्टेंस तो ये चलो फटाफट देख लेते हैं सबसे पहला है बुक अ टिकट बहुत सिंपल है जैसे मैं बोलती हूँ मुंबई आई बुक माई टिकट मतलब क्या है आई रिजर्व माई टिकट तो द विनर्स ऑफ द फाइनल फेज विल बुक अ टिकट टू स्पेस तो जैसे कोई एक कंपटीशन हो रहा है तो उसमें जितने भी फाइनल फेज के जो विनर्स होंगे दे विल बुक अ टिकट टू स्पेस मतलब उनको जाने का मौका मिलेगा बी इन bad बुक्स का ये मतलब होता है कि जैसे सपोज आपने किसी से किसी टीचर के साथ आपने ना अच्छे से बात नहीं करी तो यू विल बी इन देर बैड बुक्स मतलब यू विल बी इन हर बैड बुक्स मतलब अब वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही है या वो जो है थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच है उनका आपके लिए सो इन अ स्टेट इन विच वन इज़ नॉट लाइकड और ट्रीटेड नाइसली बाय सम वन सो इफ यू आर इन माई बैड बुक्स तो क्या होगा मुझे जब भी कुछ लगेगा कुछ गड़बड़ हुई है तो मुझे लगेगा तुमने किया है आई विल नॉट ट्रीट यू नाइस आई विल नॉट लाइक यू तो ये होता है टू बी इन सम वन बैड बुक्स सिमिलरली गुड बुक्स भी होता है लाइक like, वो जो है जब देखो उसकी चमची बनी फिरती है क्यों बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी इन हर गुड बुक्स इसका मतलब वो चाहती है कि सामने वाला पर्सन उसको अपनी जो है अच्छे लोगों की या फेवरेट लोगों की लिस्ट में रखे ठीक है एग्जाम्पल देख लेते हैं He remains in her bad books after that incident. वो जो लड़का है वो उस लड़की के बैड बुक्स में आता है वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मे बी उसने मारा होगा मे बी उसने कुछ अब्यूज किया होगा कुछ भी हो जो भी हुआ था उसके बाद से वो उसे पसंद नहीं करती ठीक है टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक टेक अ लीव आउट ऑफ समवंस बुक का मतलब होता है टू कॉपी समथिंग दैट समवन एल्स डस्ट बिकॉज इट विल ब्रिंग यू एडवांटेज जैसे कि हम ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं आप किसी को एडमायर करते हो आप अपने टीचर को एडमायर करते हो अपने बड़े भाई को एडमायर करते हो अपने पेरेंट्स को एडमायर करते हो तो आप वही चीज़ करना चाहते हो जो वो करते हैं ताकि आपको अपनी लाइफ में उस चीज़ का एडवांटेज मिले इसे क्या कहते हैं टू टेक अ लीव आउट ऑफ समवंस बुक एग्जाम्पल देख लेते हैं आपने देखा कि रिक जो है हर जल्दी आता है खत्म हो जाता है और वो घर टाइम पे जा पाता है तो आपने क्या बोला आई शुड टेक आउट ऑफ रिक्स बुक इसका मतलब मुझे उससे ये चीज सीखनी चाहिए उसकी ये आदत में अपने अंदर डाल लेती हूँ तो इससे क्या होगा मेरी लाइफ में भी एडवांटेज मिलेगा मुझे लास्ट इज गो बाय द बुक गो बाय द बुक मतलब जो रूल्स बने हुए हैं जो नॉर्म्स बने हुए हैं आप उन्हें मानते हुए कोई काम कर रहे हो टू डू सम करेक्टली एंड स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑल द रूल्स जैसे आपने क्या बोला कि नहीं हम लोग आई विल गो बाय द बुक मतलब आई विल फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स ओके माई बॉस इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग बाय द बुक मेरे बॉस बोलते नहीं जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ही काम करना है हम बिल्कुल भी ट्वीट नहीं कर सकते रूल्स को ठीक है अब हम आते हैं ट्रांसटिव और इन ट्रांसटिव वर्ब्स पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का क्योंकि इस पे बेस्ड जो है काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं आपके बेस्ड होते हैं ये उसका बेस है ठीक है ट्रांसीटिव और इन ट्रांसटिव क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ हमें कोई भी जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस में क्या होता है जैसे यहाँ पे है ही हैड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री ही हैड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट है हमारा ही जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है सॉल्व कर रहा है नाउ आज द क्वेश्चन ये वर्ब है ठीक है आज द क्वेश्चन व्हाट इज ही सॉल्विंग वो क्या सॉल्व कर रहा है वो एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है ठीक है यहाँ पे इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं इसको हम ऑब्जेक्ट अब यहाँ देखो ही सर्च डेस्परेटली अब यहाँ पे है सब्जेक्ट क्या है ही क्या काम किया उसने ढूंढने का सर्च करने का वॉट डिड ही सर्च डेस्परेटली का तो मतलब ये होता है उसने कैसे सर्च किया एकदम बहुत ही डेस्परेट होके लेकिन क्या सर्च किया डू डू वी हैव आंसर नो वी डोंट हैव तो यहाँ हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है जिन सेंटेंसेस में वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं जहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम इन ट्रांसटिव कहते हैं ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इन क्वेश्चन में ठीक है जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दे कुक डिनर फॉर अस करना क्या है आपको यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव हैं या इन ट्रांसटिव है सबसे पहले दे क्या हो गया ये हमारा हो गया सब्जेक्ट वर्ब क्या है काम क्या किया उन्होंने कुक करने का काम किया है माई क्वेश्चन इज वॉट डिड दे कुक क्या कुक किया उन्होंने ओके okay, उन्होंने डिनर कुक किया मतलब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रांजिटिव क्लियर अब देखो हैरी स्लैप्ट ऑफ हैरी सब्जेक्ट है वर्ब क्या है स्लैप्ट स्प्ट व्हाट स्लेप्ट व्हाट क्या सोया नहीं पता हम ये थोड़ी ना बोलेंगे वो सो गया लेकिन सोया क्या आंख सोई दिमाग सोया क्या सोया हमें नहीं पता तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है नहीं है तो ये क्या हो गया इन ट्रांजिटिव क्या हो गया ये इन आई फाइंड दिस एक्टिविटी इंटरेस्टिंग यू फाइंड आई तो क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया फाइंड वर्क हो गया यू फाइंड वॉट फाइंड वॉट दिस एक्टिविटी फाइंड वॉट दिस एक्टिविटी तो यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है और यह हो गया ट्रांसिटिव सैम नेवर लाइज सैम की बात हो रही है वो काम क्या कर रहा है नेवरलाइज लाइज वॉट आप बोलोगे लाई मतलब झूठ बोलना एग्जैक्टली exactly. लाई क्या जु, क्या झूठ बोलता है सेवन सेम नेवर लाइज यू नेवर लाइज मी नेवर लाइज आई डोंट नो तो इधर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है ये हो गया इन पेंटेड अ पिक्चर ग्रैंड मदर हमारी सब्जेक्ट है उन्होंने क्या काम किया है पेंट करने का वॉट डिड शी पेंट क्या पेंट किया अ पिक्चर फॉर मी अ पिक्चर क्या क्या उन्होंने किया है पेंट अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है हाँ है क्या हो गया ये ट्रांसिटिव वी डांस एट माई ब्रदर्स वेडिंग अब देखो प्लीज यहां तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सब्जेक्ट क्या है वी क्या काम किया हमने डांस करने का वॉट डूड यू डांस लेग डांस किया वी डांस लेग्स वी डांस आर हैंड्स नो सो ये एक इन ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है यह क्या हो गया इन ट्रांसिटिव क्लियर विद मच ये हो गए आपके आंसर्स okay so here we are done with this chapter with all the question answers grammar solutions vocabulary words i hope you understood it well koi bhi doubt hota you can always ask me in the comment section and of course आपको ये सारे वीडियोस कहाँ मिल सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विच इज मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम अब यहाँ पे आपको क्या करना है जैसे आप एड्रेस बार में डालोगे मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम तो ये रहा होम पेज दिस विल अपियर अब यहाँ पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में पूरी क्लासेस मैंशन है जैसे यहाँ पे सपोज वी आर डीलिंग विद क्लास सिक्स राइट नाउ सो यू विल क्लिक ऑन क्लास सिक्स जैसे ही आप क्लास सिक्स में क्लिक करोगे सारे क्लास सिक्स के टीचर्स ने जो जो सिखाया है सब आ जाएगा Now here you will click on Class 6 Engaging English and you will get chapter-wise videos ki list. यहाँ जाके जो भी chapter आपको पढ़ना है उसपे आप click करोगे और इस तरीके से आपका video start हो जाएगा, okay? एंड येस ऑफ कोर्स द गुड न्यूज इज़ की मैग्नेट ड्रेंस हिंदी भी अब अवेलेबल है सो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक डर लगता था समझ नहीं आता था कि कहाँ से आप जो है ये पूरा अपना जो कोर्स का कॉन्टेंट लेके आओगे तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैग्नेट ड्रिन्स हिंदी आ गया है एंड एवरी थिंग इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो डो नॉट वेट फॉर एन थिंग जस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वंस अगेन आई सी यू वेरी सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम यूनिट सिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स एंगेजिंग इंग्लिश की बुक तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय